ये कहानी होगा मैं रिकॉर्ड करने का। कभी कभी ये होता है कैनन 90D से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने जो मतलब ये कैमरा है ये कैनन का 90D है विद 50mm लेंस, प्राइम लेंस 50mm का, तो मैं इससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मित्र ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि भाई आप रिकॉर्ड किससे करते हो, एडिट किससे करते हो और मतलब क्या कहते हैं उसको अपलोड कैसे करते हो। सबसे पहले बात कि मैं रिकॉर्ड किससे करता हूँ, मेरे पास एक्चुअली मतलब मैं पर्सनली तीन फोन पर्सनली मैं कैरी करता हूँ, एक Redmi Note 5 Pro, एक Redmi K20 Pro और एक iPhone SE 2 जो वहाँ पे रेड कलर का, और Redmi K20 Pro यहाँ पे ये वाला। तो मैं इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ या फिर iPhone SE के कैमरा से, और Redmi Note 5 Pro मैंने इसलिए रखा हुआ बिकॉज वो स्टोरेज का काम करता है, मैंने उसके अंदर 256GB का मेमोरी कार्ड मैंने लगा रखा है, तो मैं जितना भी फाइल सब होता है ना सब उसमें ट्रांसफर कर दिया और देन मतलब इसे रिकॉर्ड करते रहते हैं। लाइक कभी कभी ये होता है ना कि हम आईफोन जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका 64GB इंटरनल है, तो कभी कभी फुल हो जाता है, आईफोन मेमोरी कार्ड लगता है ना, K20 Pro में भी मेमोरी कार्ड नहीं लगता, तो जस्ट मैंने उसको मतलब एक एक्सटर्नल डिवाइस के मतलब तरह यूज करता हूँ Redmi Note 5 Pro को। ठीक है, तो ये कहानी हो गया मैं रिकॉर्ड करने का। कभी कभी ये होता है कैनन 90D से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने जो मतलब ये कैमरा है ये कैनन का 90D है विद 50mm लेंस, प्राइम लेंस 50mm का, तो मैं इससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब मैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यूज करता हूँ, लाइक मतलब जहाँ पे मुझे कैमरा से सही लगता है कैमरा से कर लेता हूँ, जहाँ मोबाइल से सही लगता है मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देन ये हो गया रिकॉर्डिंग की बात कि अब हम लोग एडिट कैसे करते हैं, मतलब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात कि अगर आप बिगनर हो तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो आप बिल्कुल यूज मत करना, समझे। तो एक्चुअली मेरे पास वंडर सर का फिल्म है, पीछे जो आप पीसी देख रहे हो ये पीसी है, लंबा सा टीवी नहीं एक्चुअली पीसी है। तो मतलब मैं मतलब पर्सनली वंडर सेल फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, जो कि मम्मी का जो यूट्यूब चैनल रीमा किचन, तो उस पर स्पॉन्सरशिप आया था तो हमको एक्चुअली फ्री में दिया गया था, तो जस्ट वही यूज़ करते हैं। जो बात है सो मैं वही बोल रहा हूँ, उसका सॉफ्टवेयर का दाम आई थिंक 8000 रुपये पड़ता है। और दूसरा बात, मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो खरीद रखा है तो जस्ट उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं, और वो भी मतलब मैं अभी उसमें सीख रहा हूँ, बिगनर आप बिगनर कह सकते हैं, मैं वो सीख ही रहा हूँ। तो दो सॉफ्टवेयर मेरे पास हो गया। दूसरी बात, मैं लैपटॉप से एडिट करता हूँ, मेरे पास लैपटॉप है असूस का, गेमिंग लैपटॉप है, i7 प्रोसेसर है, विथ कौन सा जनरेशन, 8 जनरेशन का प्रोसेसर है i7, तो मैं उसे एडिट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लैग करने लगा, तो आई थिंक अब मैं मैक पे स्विच करने वाला हूँ। मैक जो है, मैक यानी मैं आप लोग को नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, मैक यानी कि जब आप एप्पल का लैपटॉप लेते हो ना उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उसमें मैक होता है, तो मैं मैक पे स्विच करने वाला हूँ, कुछ दिनों बाद मैं लूँगा, अभी नहीं आफ्टर मार्च, अभी मतलब टाइम है, जब मैं लूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ये था कुछ सी, अगर आप अगर बिगनर हो यूट्यूबर हो तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। बताते हैं प्रोसेस क्या है, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, एंड्रॉयड चाहे iOS, मैं मतलब प्रेफर करूँगा एंड्रॉयड रहे तो सही रहेगा, ठीक है। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसके अंदर आप मतलब जो है ना नॉर्मल कैमरा यूज़ कर सको तो मतलब सही है, अगर नॉर्मल कैमरा माइक सपोर्ट करता है तो सही है, मतलब माइक भी नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर माइक सपोर्ट करता है, जैसे रेडमी वाला फ़ोन है इसमें माइक सपोर्ट नहीं करता, मैं इसमें जी कैम डाल करके माइक यूज़ करता हूँ, जैसे मैं ये बोया का M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक दिख रहा हूँ बोया का M1 माइक है, तो इसमें मैं जी कैम डाल करके यूज़ करता हूँ माइक, इसमें जैसे कभी कभी रिकॉर्ड करना होता मैं मतलब जी कैम जो है वो डाल करके, बिकॉज नॉर्मल जो स्टॉक कैमरा है उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉइड मोबाइल, एडिटिंग के लिए मैं 2-3 सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, एक हो गया आपको फिल्मोरा, देन काइन मास्टर, देन पावर डायरेक्टर, हाँ ये तीनों बेस्ट सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए। अब थंबनेल बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला ऐप हो गया थंबनेल बनाने के लिए थंबनेल, दूसरा हो गया पिक्सल लैब, तीसरा हो गया आपको ये क्या कहते हैं उसको, सॉरी नाम बोल रहा हूँ, पिक्स आर्ट, हाँ तीसरा ये हो गया, तीन ऐप हो गया आपको थंबनेल के लिए। जस्ट आप क्या करते हैं, मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हो, अब मोबाइल से आप मैनेज कैसे करो यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आप जाओ सर्च मतलब सॉरी प्ले स्टोर पे जाओ सर्च करो स्टूडियो YT स्टूडियो, यानी यूट्यूब स्टूडियो सर्च करोगे तो ऐप आ जाएगा, वहाँ से आप अपना पूरा चैनल का मैनेजमेंट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आप कितना घंटा हुआ कितना क्या हुआ, टाइटल डाल सकते हो, थंबनेल डाल सकते हो, टैग डाल सकते हो, हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप बिगनर यूट्यूबर हो आपका सिर्फ एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो। iOS में इसलिए आपको प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाता है, लाइक आप समझ लो कि एंड्रॉइड में बहुत सारा चीज़ें ना, जैसे ये क्या कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो आप कुछ जुगाड़ करके भी यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादा खुलम खुला नहीं बोलूँगा बिकॉज एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मेरे चैनल पे है ही, दूसरा हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं लेना चाहते, इसलिए मैं खुलम खुला नहीं बोलूँगा कि आप कुछ जुगाड़ करके एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, बट आपको iOS में खरीदना ही होगा, समझे। जैसे काइन मास्टर है उसका 1600 रुपया सालाना देना पड़ता है, तो आपको खरीदना ही होगा अगर आपको आईफोन यूज़ करना है काइन मास्टर, तो बट एंड्रॉइड में जुगाड़ हो सकता है। तो ये था मेरा कुछ कहानी, मैं कैसे एडिट करता हूँ, मैं एक्चुअली मतलब अपनी पीसी से ही एडिट करता हूँ, एक वंडरशेयर फिल्मोरा एक प्रीमियर प्रो, ठीक है। और अपलोड तो मैं डेस्कटॉप से ही कर लेता हूँ या फिर मोबाइल से, डिपेंडिंग ऑन माय मूड, मतलब मेरा मूड कैसा है उसे, जैसे कि घर से बाहर है तो मोबाइल से अपलोड कर लिया, घर पे है तो पीसी से वाईफाई लगा हुआ पीसी से मतलब अपलोड कर। ये था मेरा कुछ कहानी कि मैं मतलब कैसे क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।